हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद, आपका स्वागत करता हूं इनटेक टिप्स पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूं। यहां पे हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम में आने वाले कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस पर्यावरण से रिलेटेड हैं और यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बायोगैस में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। चार ऑप्शन है आपके पास, मीथेन, हाइड्रोजन, इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा हो सकता है यहाँ पे सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा मीथेन। दूसरा क्वेश्चन है, फ्लोरोसिस बीमारी का कारण क्या है। चार ऑप्शन है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बताना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई थी। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन है, 1972, 2000, 1952, 1987। आपको सही ऑप्शन बताना है, चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1952। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष से जैविक डीजल तैयार किया जाता है। चार ऑप्शन है, करंज, नीम, जट्रोपा या फिर महुआ। तो आपको सही ऑप्शन बताना है, इसका सही ऑप्शन होगा जेट्रोफा। इसको हम जेट्रोफा भी लिखते हैं, जेट्रोफा, इसको जेट्रोफा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिवर्तन उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चार ऑप्शन है, हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। आपको सही ऑप्शन बताना है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ह्यूगो डी ब्रीज। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया। यहाँ पर चार ऑप्शन है, 1972, 1978, 1980, 1992। आपको सही ऑप्शन बताना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 1972। अगला क्वेश्चन है, भारत में संकट ग्रस्त पादप जाति कौन सी है। चार ऑप्शन है आपके पास, आम, शीशम, चंदन और सागौन। आपको सही ऑप्शन बताना है, भारत में संकट ग्रस्त पादप जाति कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा चंदन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस भूकंप पेटी में हिमालय क्षेत्र स्थित है। भारत की किस भूकंप पेटी में हिमालय क्षेत्र स्थित है। चार ऑप्शन है, जोन प्रथम, जोन द्वितीय, जोन चतुर्थ और जोन पंचम। इसका सही ऑप्शन होगा जोन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था। चार ऑप्शन है, हरित गृह गैसों को कम करना, बी है औद्योगिक राष्ट्रों के बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करना, संकटापन्न जाति को बचाना और चौथा है जनसंख्या उत्कर्ष को रोकना। आपको इसका सही जवाब देना है, इसका सही ऑप्शन होगा हरित गृह गैसों को कम करना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, नैरोबी, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क और जेनेवा। आपको सही ऑप्शन बताना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा नैरोबी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का प्रभाव होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जल का स्तर, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, मौसम परिवर्तन होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना अभियान कब चलाया गया। 1990, 1984, 1986 या फिर 1990। सॉरी, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं 1990 के, तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बताना है, इसका सही ऑप्शन होगा 1986। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, टेक्सटाइल से, एस्बेस्टस से, अखबार से या फिर सिलिकॉन से। आपको सही ऑप्शन बताना है,
चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा टेक्सटाइल से। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। भारत को कितने वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 7, 9, 8 या फिर 10। आपको सही ऑप्शन बताना है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 9। भारत को 9 वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका सही जवाब देना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्टॉकहोम। सॉरी, मैंने पहले ही जवाब दे दिया, ऑप्शन नहीं बोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, खरगोश किस श्रेणी का उपभोक्ता है। चार ऑप्शन है, शाकाहारी, मांसाहारी, उभयचरी या फिर विघटक। आपको सही ऑप्शन बताना है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा शाकाहारी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप हमारी वीडियोज़ तक आसानी से पहुँच पाएंगे और हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।